प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो चंदनमणि जी, कहाँ हो आप? मैं कब से फोन कर रहा हूँ आपको। एक मेरे सेक्रेटरी भिड़े, मैं समझ गया फोन की घंटी बजी कि मतलब मेरा फ्लैट बिक गया। तो फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? अरे चरिया, तेरे फोन का बिल क्यों चढ़ाऊं? तो फिर आपने फोन क्यों नहीं किया? मैं चरिया हूँ जो अपने फोन का बिल चढ़ाऊं यार? अगले हफ्ते तो मैं आ ही रहा हूँ वहाँ पे यार। अरे उधर आप फोन नहीं उठा रहे थे, इधर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अरे अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपका फ्लैट खरीदने के लिए दो दो पार्टी रेडी हो गई है। अरे यार ये तो बहुत कमाल हो गया, एक ही फ्लैट के दो दो पार्टियां, मतलब 1,10,00,000 रुपया है, और तेरे भी 2% के हिसाब से 2,20,000 रुपए हो गए यार। अरे ऐसा कैसे हो सकता है चंद्रमणि जी? अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। भला मस्करी सोचते है। एक काम का, जो अच्छी पार्टी लग रही है उसके साथ सौदा कर डाल यार। ऐसा नहीं कर सकता ना मैं। बाबा चंदी रमानी की छोरी कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, बता डाल क्या बात है यार? अरे बात ये चंद्रमणि जी, ऐसा झमेला हो गया है। अच्छा तो ये बात है, तू एक काम कर, जो ज्यादा पैसे देता है ना उसको फ्लैट बेच डाल। ऐसा नहीं कर सकता मैं। अरे बाबा मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तू कर सकता है यार। अरे भरोसे की बात नहीं है चंदारमानी जी, आप तो जानते हो ना, जेठालाल और सोड़ी दोनों से मेरे फैमिली रिलेशन है, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जब एक छोटा रास्ता बंद हो जाता ना बाबा, तो एक बड़ा सा रास्ता खुल जाता है। मंजे, मतलब अभी फ्लैट 55 लाख का है ना, अभी 65 में जाएगा बाबा। 55 लाख का फ्लैट 65 लाख में? वो कैसे? अगले संडे को तू मेरे फ्लैट का सोसाइटी में ऑक्शन रखवा दे, मैं आ रहा हूँ बाबा इंडिया। इतना तो कर सकता है ना यार। ओके यू आऊंगा बाबा, बाय बाय। अप्रतिम हो, काय झालं काय? थोड़ी देर पहले आप निचोड़े हुए कपड़े जैसे थे और अभी इस्त्री टाइट कपड़े जैसे हो गए, क्या हुआ क्या? माधवी अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अरे वो चंद्रमानी खुद इंडिया आ रहा है अपना फ्लैट बेचने के लिए, उसने कहा है वो अपने फ्लैट का ऑक्शन रखेगा, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा फ्लैट उसी का हो जाएगा, अपना टेंशन खलास। चला कुठे? सोडा शॉप। वाचलो रे देवा वाचलो। थोड़ा मसाला डाल ना। अरे मेहता साहब, वो चंदा रवानी के फ्लैट का कुछ सोल्यूशन निकला कि नहीं? पोपटलाल तुम भी ना, सब जानते बूझते हुए ऐसे सवाल करते हो। अरे तुमने देखा नहीं क्या सोल्यूशन, क्या रिवॉल्यूशन हुआ भाई? इन दोनों में से कोई फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं। भिड़े भाई की जो हालत है ना, निचोड़े में लिंबू की तरह हो गई है। अब्दुल निम्बू जैसी नहीं, आत्माराम तो ऐसा फंसा है जैसे दो हाथियों के बीच में हिरन फंसा हो। सही कहा यार, एक्चुअली भिड़े बहुत बुरा और पूरा फंस गया यार। अरे ये हिरन तो गाते हुए और फुदफुदाते हुए आ रहा है। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? क्या हाल है पोपट लाल जी? बस बढ़िया बढ़िया। अब्दुल एक फर्स्ट क्लास मसाले वाला सोडा बना, और हाँ आज सबका सोडा आत्माराम तुकाराम भिड़े की तरफ से।
ओहो, लगता है कि फ्लैट बिक गया बेड़े। ऐसे ही समझो मेहता साहब, मेरे सर के ऊपर से टेंशन चला गया है। थैंक यू वेरी मच पेड़ो। और बता फ्लैट की बाकी पेमेंट कब करनी है? ये क्या भीड़ है? तूने फ्लैट सोटी को बेच दिया? मतलब तूने मुझे दुश्मन ही समझा ना आखिर? अरे जेठालाल, मैंने सोटी को फ्लैट नहीं बेचा है। तो यानी तूने फ्लैट किसी और को बेच दिया? अरे मैंने किसी को फ्लैट नहीं बेचा बाबा। तो फ्लैट का अभी ऑक्शन होगा। क्या हो? अरे भाई फ्लैट खरीदने कोई गुना? अब ये क्या एक्शन क्या लेगा तू भाई? अरे जेठालाल, एक्शन नहीं ऑक्शन। ऑक्शन मतलब नीलामी, अंग्रेजी में ऑक्शन बोलते हैं भाई। हाँ, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसका फ्लैट हो जाएगा, सिंपल। और पिडू, तू इतना लालची हो गया और शिक्षक हो गया, भी तू फ्लैट की नीलामी करेगा? शी, 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 शी। अभी कल नोटिस बोर्ड पे वाक्य लिखेगा कि प्रामाणिकता सौतेला भाई और लालच सका भाई। हाँ भाई भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। ये नीलामी वीलामी सब कैंसिल करो। बिल्कुल। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, ये नीलामी का आइडिया मेरा नहीं है, फ्लैट के उधर चंदा रमानी का है। चंदा रमानी का मतलब? मतलब ये है मेहता साहब कि मैंने चंदा रमानी को फोन करके सारा प्रॉब्लम बता दिया कि कैसे अनजानी में मैंने सोड़ी से और माधवी ने जेठालाल से टोकन ले लिया और दोनों अभी फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उसको ये लगा कि अभी ये फायदे की घड़ी है और ये ऑक्शन का आइडिया चंदा रमानी का ही है। अच्छा। ओहो, आत्माराम, अगर जो ऑक्शन है तो ये फ्लैट खरीदने में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। एक मिनट भाई, तुमको क्यों फ्लैट खरीदना है? अरे जेठालाल, क्यों खरीदना है मतलब? अरे इतनी अच्छी सोसाइटी है, इतनी अच्छी सोसाइटी में किसी को फ्लैट नहीं खरीदना है। ये देखो, ये अभी देखा देखी पे उतर है। मम्मी मम्मी, उसने लॉलीपॉप लिया था, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। नहीं 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 जेठालाल, इस तरह से अय्यर साहब का मजाक मत उड़ाओ भाई। अगर नीलामी की बात है तो इसका मतलब है इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है, कोई भी बोली लगा सकता है। तू भी लगाएगा बोली? हाँ, मैं भी लगाऊंगा। बोलो, ये भी रह गया था, बोलो। ओ यार पोपू, तू तो कल्ले रहता है और तू दूसरा फ्लैट लेके की करूंगा? हाँ? अरे भाई, कुंवारा को दो दो फ्लैट की क्या जरूरत है? अरे भाई, कुंवारा आदमी दूसरा फ्लैट नहीं ले सकता, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? भाई ऑक्शन का मतलब है ओपन मार्केट, कोई भी हिस्सा ले सकता है। और वैसे भी आज की तारीख में प्रॉपर्टी से ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है। क्यों जेठालाल, ऐसा तुमने ही कहा था ना जब हम सारे लोग तुम्हें समझा रहे थे और कह रहे थे कि भाई जिद छोड़ दो। ठीक है भाई, लगाओ, सब लोग बोली लगाओ। अरे भाई अब्दुल, तू बाकी रह गया, तू भी लगा बोले भाई। हाँ। नहीं नहीं जेठा भाई, मुझे फ्लैट की क्या जरूरत है? अच्छा, तो अभी मतलब फ्लैट का ऑक्शन तय हो गया है, तो जेठालाल और सोड़ी अपने अपने गिफ्ट मेरे पास से वापस ले लो। अरे भाई नीलामी होने देना, बाद में देखेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, फिर संडे शाम को ऑक्शन होगा। और पिडू, और संडे की वेट क्यों करता है? और बोली लगाने वाले सारे इधर ही हैं, तो सबसे पहले मैं लगा देता हूँ बोली। और 55 लाख का फ्लैट है ना, तो मेरी तरफ से 56 लाख। और 56 लाख 1, 56 लाख 2, और 56 लाख 3 हो गया चंदा रमानी का फ्लैट। रोशन सिंह सोडी का चेयर्स। ओहो, उत्साही, चीयर्स का है, चीयर्स। अरे हम लोग आपस में ऑक्शन नहीं कर सकते? हाँ, ऑक्शन के लिए फ्लैट के ओनर का होना जरूरी है। फिर? और हाँ, फ्लैट का ओनर चंदा रमानी खुद संडे को यहाँ पे आ रहा है। तो इन शॉर्ट, जो जो फ्लैट के लिए बोली लगाना चाहते हैं वो संडे को शाम को गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में उपस्थित रहे। चप्पू के पापा, ये ऑक्शन क्या है? नीलामी। नीलामी को इंग्लिश में ऑक्शन बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो चीज उसकी। तो आप एक काम करो, सुंदर को बुलाओ। क्यों? क्या है, सुंदर बचपन से ही बोली लगाने में होशियार है। बचपन से? हाँ, क्या है, बचपन में हमारे अहमदाबाद की पोल में रूपल नाम की लड़की रहती थी।
उसके पास एक प्यारी सी गुड़िया थी, तो उसने कहा कि जो भी मुझे ज्यादा आम देगा ये गुड़िया उसकी। और मेरे वीरा सुंदर ने सबसे ज्यादा 15 आम की बोली लगाई और गुड़िया मेरी हो गई। अरे गुड़िया के लिए बोली लगाना और फ्लैट के लिए बोली लगाने में जमीन आसमान का फर्क है, सुंदर का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा की बोली के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ओए रोशन तू देखना, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। अरे चक्रम, जेठा भाई बिजनेसमैन छे, थोड़ू तो समझ। अरे वो कुछ भी हो, ये रोशन सिंह सोढ़ी किसी के आगे नहीं झुकेगा। ओ खुदाए, अबे खेला ने कैन समझाओ। बबीता तुम मेरा को क्या समझा रही हो, यह फ्लैट का 5-10 लाख रुपए ज्यादा दिया तो भी कोई नुकसान नहीं है। अगर पर तुम्हें इतनी लालच कब से हो गई है? यह लालच की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी की बात है। जब भी यह सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाएगा तो हमको डबल फायदा होगा। अयर तुम साइंस के क्वेश्चन करते करते बिजनेसमैन जैसे क्वेश्चन करने लगे हो। बबीता तुम टेंशन मत लो, समझो हमारे पास एक फ्लैट और आ जाएगा। लेकिन बोली लगाते वक्त जिद पे आके अपना ही फ्लैट दांव पे मत लगा देना। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। संडे को ऑक्शन में यह फ्लैट हमारा होगा। अरे माधवी। हाँ बोला। मैं चंद्रमणि को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। हाँ, रिक्शे में जा रहे हो या स्कूटर लेके जा रहे हो? स्कूटर लेके, क्यों? फ्लाइट लेट है। हाँ हाँ, तो पहुँच जाओगे बराबर। चंद्रमणि भाई आ जाए तो अच्छा है। हाँ माधवी, एक बार चंद्रमणि यहाँ पे आ गया ना, समझो हमारे ऊपर का धर्म संकट खत्म हो गया। और साथ ही में हमारा सपना पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया। ये फ्लैट का सौदा हमारे लिए लॉटरी थी, लॉटरी। चंदारमणि भाई का फोन आया था तो हम लोग कितने खुश थे। 1,10,000 रुपए हमें कमीशन मिलेगा, उसके बारे में सोचो आहत थे। बरोबर है, बरोबर है। हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है ये। 3 साल पहले एक फ्लैट भाड़े पे दिया था, उसके बाद ये डील हो गई पहली बार। बरोबर है भाभी, पिछले 3 साल में ना कोई फ्लैट भाड़े पे गया, ना कोई फ्लैट बिका है, सोसाइटी को तो ट्रांसफर भी मिली ही नहीं। नहीं, लेकिन हमको 1,10,000 रुपया कमीशन में मिलेंगे। वाह वाह, बोलो, मेरे अचार पापड़ का 6 महीने का बिजनेस भी इतना नहीं होगा। पावला रे पावला, दे पावला। अब न 2% कमीशन मिलेगा, न बाइक रहेगी और न ये LCD रहेगा। माधी, हम मिडिल क्लास के सपने ना बिल्कुल पापड़ की तरह होते, पता नहीं कब टूट जाए। और हमारा जो नसीब होता है ना, वो स्कूटर के अगले टायर की तरह होता है। हम पिछला टायर कितना भी तेज भगाए, नसीब का टायर 2 कदम आगे ही रहने वाला है। जाने दीजिए, अब नसीब को कोस के क्या फायदा। भले ही हमें 2% कमीशन ना मिले, पर जेठा भाई और सोढ़ी भाई के झगड़े में हमारा जो सैंडविच हुआ था ना, उससे तो छुटकारा मिल जाएगा। करे, अब जाइए जल्दी से चंदारामणि भाई को लेके आइए, वरना देर हो जाएगी। हाँ, चला 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 चला। अच्छा माधवी। हाँ। मैं चंदारामणि को लेकर डायरेक्ट ऑक्शन में पहुंचूंगा, तुम आते वक्त जेठालाल और सोढ़ी के टोकन के पैसे याद से लेती आना। हाँ हाँ, लेकर आऊंगी। वैसे माधवी, फ्लैट चाहे जिसे मिले, लेकिन सोसाइटी में हंगामा जरूर होने वाला है। हाँ बरोबर है, फ्लैट लेने के लिए इतने लोग जो उत्सुक है तो हंगामा तो होगा ही ना। अरे इतने लोग मतलब अभी जाइए ना जल्दी से। हाँ, सांभर उधर जरा। ये सोढ़ी मान गया होता तो ये ऑक्शन का झमेला ही नहीं होता। अभी पता नहीं है 55 का फ्लैट कितने में पड़ेगा। अरे दया, चल भाई, ऑक्शन का टाइम हो गया। आई 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 आई, चलिए चलिए। ये क्या? आरती की थाली। वो तो मुझे भी दिखता है, लेकिन रात को किसकी आरती उतारनी है? अरे आपकी। क्यों? आज रविवार है ना, तो रविवार रात को पति देव की आरती उतारने की नई प्रथा मार्केट में आई है। अरे अब मुझे बताइए, मैं कौन हूँ? बोलिए बोलिए, कौन हूँ मैं?
नहीं मालूम भाई आगे बढ़ा। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, दया टप्पू के पापा घोड़ा। तुझे मालूम है? तो मुझे क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही टाइम पास। क्या? बचा कर रही हूँ। क्या है? मेरी माँ कहती है कि पत्नी का धर्म होता है पति की खुशी में खुश होना, और चंदा रामानी भाई का फ्लैट आपको मिले वही आपकी खुशी है। आपकी खुशी वो मेरी खुशी, और इस खुशी को हासिल करने में आपको सफलता मिला, इसके लिए मैं आपकी आरती उतारना चाहती हूँ। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया नेक विचार है। उतारो उतारो, स्टार्ट। हाँ। चंदा रामानी भगा फ्लैट आपको मिल जाए, चंदा रामानी भगा फ्लैट आपको मिल जाए, भगवान से मेरी ये प्रार्थना है, प्रार्थना है। चंदा रामानी भगा फ्लैट आपको मिल जाए, चंदा रामानी भगा फ्लैट मुझे ही मिलेगा। हो गया? हाँ हाँ। चलो एक मिनट टप्पू के पापा, आपको एक और बात करनी है। क्या? देखिए ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार जैसी है। हाँ। और मैं आपकी पत्नी होने के साथ साथ ये गोकुलधाम परिवार की एक सदस्य भी हूँ। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि फ्लैट की वजह से सोसाइटी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, और ना ही कोई दुखी हो। और मेरी माँ कहती है कि मन, कांच और मोती एक बार अगर टूट जाए फिर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये धन दौलत सब क्या है? धन दौलत मोह माया, और इस मोह माया को आप फिर से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते, रिश्ते तो अनमोल होते हैं, और अगर वो एक बार टूट जाए फिर उसे हासिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। वाह वाह माँ दया देवी का वाह, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। तो आप वो ऑक्सीजन में हिस्सा नहीं लेंगे ना? नहीं लूंगा। आप सच्ची में हिस्सा नहीं लेंगे? नहीं लूंगा मतलब वो नहीं लूंगा वाला नहीं लूंगा, नहीं नहीं लूंगा। क्योंकि मेरे परम पूज्य आदरणीय महाराज तिजोरी निवासी धनजी महाराज, उनकी मुझे आज्ञा है कि बेटा धंधे में नो रिलेशन, ओनली जीत हासिल कर ले सन। इसलिए अब कुछ भी करके जीतना है, मिशन ऑक्शन। तो दया भाभी ने आरती करके जेठालाल को इस ऑक्शन युद्ध में विजेता बनाने के लिए शुभकामनाएं दे दी हैं। अब विजेता कौन बनता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पहली बार गोकुलधाम में ऐसा हो रहा है कि एक फ्लैट का ऑक्शन हो रहा है। पहली बार यहाँ एक फ्लैट इस तरह से बिकेगा, लेकिन मुझे डर है कि इस फ्लैट के साथ साथ कहीं गोकुलधाम का भाईचारा और संबंध न बिक जाए, क्योंकि ऑक्शन मतलब होता है नीलामी, और नीलामी का मतलब क्या? नीलामी का मतलब सीधा साधा है, पैसों के जोर पे, पैसों के बल पे एक दूसरे से ज्यादा बड़ा दिखने की कवायद, अपना रुतबा ज्यादा दिखाने की कोशिश। और दोस्तों जब रिश्तों के कांच में पैसों का पत्थर लगता है ना, तो रिश्ते टूटते ही हैं, बिखरते ही हैं, और यहाँ ठीक इसी कगार पे है गोकुलधाम सोसाइटी, जहाँ पैसों के बल पे फ्लैट खरीदने की एक कोशिश की जा रही है। अब तक तो जेठालाल और सोढ़ी ही इस कवायद में शामिल थे, लेकिन अब पोपटलाल और अय्यर भी कूद चुके हैं। अब देखिए ये नीलामी, ये ऑक्शन क्या रंग लेके आता है। ऑक्शन होगा तो धमाल होगा, धमाल होगा तो ठहाके होंगे तो खुशियां बरसेंगी, और यही तो हमारा काम है इस देश के हर घर में खुशियां बरसाने का। लेकिन अभी गोकुलधाम में बेहद तनाव है इस ऑक्शन की वजह से। आप सोचिए कि ये फ्लैट किसके हाथ में आएगा और ऑक्शन में क्या क्या होगा। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, हंसते हुए हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।